2 जून 2023 को जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई ओडिशा में, उसके रीजन को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट का मेन कारण अब तक ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया था। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहां पर कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आखिर क्या होता है। तो इसका आंसर यह है, मान लो कोई ट्रेन एक ट्रैक पर चल रही है तो वो दूसरे बगल वाले ट्रैक पर तभी न जाएगी जब वो ट्रैक खाली होगा, है ना, यानी वैकेंट होगा। मान लो साइड वाला ट्रैक खाली नहीं है लेकिन रेलवे के कंप्यूटर्स में ये दिखाया जा रहा है कि वो ट्रैक खाली है, तो चलती हुई ट्रेन उसी पे चली जाएगी और टक्कर हो जाएगी। एक्चुअल में खाली नहीं है लेकिन कंप्यूटर में खाली दिखता है एरर के चलते, तब होता है ये। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मतलब होता है रेलवेज का वो सिस्टम जो ट्रेन्स को अपने ट्रैक पर लॉक्ड रखता है। कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पर चलेगी, ट्रैक चेंज तभी करेगी जब दूसरे ट्रैक पर कोई और ट्रेन ना हो या फिर ना आ रहा हो, ये सब चेक करके। ये सब मेन काम होता है इस सिस्टम का। कोई दो ट्रेन एक ट्रैक पर ना आ जाए, इसका ध्यान रखता है रेलवेज का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। लेकिन कंप्यूटर ही है ये भी, और ग्लिचेस और एरर्स ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में होती ही है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ आ गया होगा। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ जो कि अभी चर्चा में है, जिसे लूप लाइन कहते हैं। जिस जगह हादसा हुआ है उस जगह चार ट्रैक्स मौजूद थे, चार पटरियाँ, दो मेन ट्रैक्स थे और दो लूप ट्रैक्स थे। अब जो सब कोई कह रहे हैं लूप ट्रैक, क्या होता है ये भला? लूप लाइन यानी लूप पटरी उसे कहते हैं जिसमें ट्रेन्स मेन लाइन से शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं अगर कोई और ट्रेन आ रहा हो तो। मतलब वो एक्स्ट्रा पार्किंग की तरह होता है आप कह सकते हो, जिसपे लोकल ट्रेन या फिर माल गाड़ी जाके खड़ी रह सकती है ताकि एक्सप्रेस ट्रेन बीच से पार हो सके स्पीड से। तो साइड में मौजूद एक्स्ट्रा लाइंस को लूप लाइन कहते हैं। कहा ये जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन में शिफ्ट हो गया था जहां पर एक माल गाड़ी पार्क थी, क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम ये शो करने लगा था कि लूप लाइन खाली है और एक्चुअल में वो खाली नहीं था। उस लूप लाइन पर एक माल गाड़ी मौजूद था लेकिन सिस्टम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। ये टेक्निकल ग्लिच थी या ह्यूमन एरर या फिर कोई क्राइम में भी, ये तो पता चलना अभी बाकी है। एक चीज है वैसे कि हम कितना भी एनालाइज कर ले इस सिचुएशन को, जिन परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है उन लोगों के मन में क्या बीत रही है वो सच में कोई नहीं समझ सकता। वही लोग जानते होंगे जिनके साथ ये बीत रही है, भगवान उनको ताकत दे ये सब सहने की। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले इंफॉर्मेशनल फैक्ट पे। ये एक बहुत ही डरावनी फैक्ट है कि आपका जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड मौजूद है वो ब्लेड को भी गला सकता है। ये बात आप बहुत बार सुने होंगे। तो वो पेट को ही क्यों नहीं गला देता अगर लोहे को भी गला सकता है तो? तो असल में पेट में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आपका स्टमक कंटिन्यूअसली एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो कि आपके पेट को गलने से बचाता है, और आपके पेट को वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहना होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी आपके पेट में वो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में, रियल टाइम में, जिसके चलते आपका पेट बचा हुआ है आपके पचाने वाले एसिड से। और जब भी ऐसा होता है कि आपका पेट वो म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तब अल्सर और बाकी बीमारी होते हैं। यानी एक तरह से कहें तो आपके स्टमक को कंटिन्यूअसली ये प्रोड्यूस करते रहना होगा अगर उसको अपने ही पचाने वाले डरावने एसिड से अपने आप को बचाना है। तो म्यूकस जो है, जो कि पेट 24/7 प्रोड्यूस कर रहा है पेट में, वही आपके पेट के लाइनिंग पे एक लेयर बना देता है जिसपे अगर वो ब्लेड गलाने वाला एसिड आ भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा।
और सबसे डरावनी बात यह है कि आपके पेट को प्रोड्यूस करते ही रहना होगा, नहीं किया तब हो गया। लेकिन हर एक नॉर्मल इंसान के पेट में 24/7 वो प्रोड्यूस होते रहता है। आप अपना पेट छू के देखो, अभी भी हो रहा है वो अंदर ही अंदर। नहीं तो आपका जो खाना पचाने वाला एसिड है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, तभी तो वो लोहे को गला देता है और ब्लेड को गला देता है। क्या आपको पता है कि हर साल मिलियंस ऑफ कार क्रैश होते हैं डियर के चलते? यानी जैसे आप इंग्लिश मूवीज में देखते होंगे कि डियर है वो रोड के बीच में आ गया और इंसान अपने गाड़ी को मोड़ दिया और वो जाके पेड़ पर लग गया, ऐसा सीन अक्सर हम बहुत सारे इंग्लिश मूवीज में देखते हैं। तो ये एक्चुअली में होता है जंगलों में कि डियर के चलते लाखों कार क्रैश होते हैं हर साल, यानी डेली होते हैं। अभी आप वीडियो को देख रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो बात ये है कि उल्फ जो है वो डियर को खाते हैं, और जब से उल्फ का पॉपुलेशन कम हुआ है तब से ये जो डियर है ये और भी बढ़ गए हैं और इससे कार क्रैश और भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अभी ये रिपोर्ट्स में सामने आया है कि उल्फ का पॉपुलेशन रिकवर कर रहा है, यानी उल्फ अब और डियर्स को खाएंगे। तो इससे एक अजीब सी बात सामने आती है जिसका रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जब से उल्फ का पॉपुलेशन बढ़ा है पूरे दुनिया भर में, तब से ये जो एक्सीडेंट्स है ये 24% से कम हो गए हैं। जी हाँ, ये एक्चुअल डेटा है। उल्फ के पॉपुलेशन के रिकवरी के चलते एक्चुअली में स्टैट्स में पता चला है कि एक्सीडेंट्स के नंबर्स कम हुए हैं। हम लोग जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारे बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही होती है, यानी एनर्जी यूज हो रहा होता है। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो आपका सर का पार्ट है यानी आपका खोपड़ी, आपका ब्रेन, ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करता है, जो कि ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है। जब कोई मेंटली चैलेंजिंग एक्टिविटी करता है, जैसे कि कोई गेम खेलता है या फिर कोई चेस खेल रहा होता है, तब उसके बॉडी का बहुत ही ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रहा होता है। तभी तो एक छोटा सा पार्ट जो कि है आपका ब्रेन, वो पूरे बॉडी का 20% ऑफ द एनर्जी को यूज कर लेता है। जब वो नॉर्मली ऐसे शांत रहता है तब, यानी जब आप सो रहे होते हो, जब दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है, तब भी वहां पे 20% एनर्जी यूज हो रहा होता है। तो बात ये है ना कि जितने भी गेम्स हैं जो भी हम खेलते हैं जिसमें हमारा ब्रेन यूज होता है, सबसे ज्यादा चेस में एनर्जी यूज होता हुआ देखा गया है। यानी चेस सही में एक ऐसा गेम है जिसमें ब्रेन पूरी तरह से यूज हो रहा होता है। हम लोग अक्सर रिप का इस्तेमाल करते हैं, RIP यानी रेस्ट इन पीस। तो अगर आप एंशियंट रोमन कल्चर को पढ़ोगे तो वहाँ पे रिप के बदले NFFNSNC का इस्तेमाल किया जाता है। उनका एक गहरा सा मतलब होता है इस अजीब से अल्फाबेट पे, लेकिन इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। ये जो NFFNSNC का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मीनिंग अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका मीनिंग है कि I am not, I do not care। यानी ये हमारे लाइफ के सच्चाई को बताता है कि मैं कभी था ही नहीं। इसको अगर आप डीपली पढ़ोगे, आप थोड़ा दिमाग शांत करके पढ़ो, तो मरने के बाद सोल ये कह रहा है कि मैं कभी था ही नहीं, ना मैं हूँ, और ना इससे कोई फर्क पड़ता है इस ब्रह्मांड को। क्योंकि आप थोड़ा डीपली सोचो, ये एक अजीब सा थॉट लगेगा आपको, आप हो या फिर जितने भी लोग हैं 8 बिलियन लोग, ये यूनिवर्स के लिए उतने भी खास नहीं है एट अ लार्ज स्केल। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी धरती ही नहीं, ये पूरा सोलर सिस्टम एक चींटी के बराबर है इस ब्रह्मांड के साइज पे। हम चलते चलते अक्सर चींटियों को कुचल देते हैं, वैसे भी वो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमें ये थॉट आता है। तो लार्ज स्केल में हम कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के लिए, अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये थॉट बहुत लोगों को नहीं पचेगी, क्योंकि हमारा ईगो जो है वो इसे कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन एक चीज है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में से बहुत ऑडियंस स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।